हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोस्टी चैनल। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, घर पर रखी हुई चीज़ों से बनाएं ब्रेड मलाई टोस्ट। ये स्वीट बहुत ही टेस्टी बनती है और समय बहुत कम लगता है। इस स्वीट्स को आप त्योहारों में घर पर ज़रूर बनाकर खिलाएं। मैंने 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अगर आप इनके किनारों को निकालना चाहते हैं तो काट दें। मैं इन किनारों को नहीं काट रही हूँ। एक स्लाइस के 4 पीसेस कर लें। मैं स्क्वेयर शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो गोल शेप में भी काट सकते हैं। सारे ब्रेड स्लाइस को काट लिया है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में रिफाइंड डालें। 1 चम्मच इसमें देसी घी डालें। ऐसा करने से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब कटे हुए स्लाइस को डाल दें जितने कढ़ाई में आ सकें। और ध्यान रखना है, इन्हें सिम आंच पर ही फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई ना करें, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाता है। सारे ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से पलटते जाएं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें आप निकाल लें। अब बचे हुए ब्रेड स्लाइस को भी गोल्डन फ्राई कर लेना है। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कटोरी पानी डालें। आधा कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कटोरी चीनी डाल सकते हैं। अब इसे स्पैटला से इस तरीके से चलाते रहना है जब तक कि ये चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। इस चाशनी को हमें 2-3 तार वाली नहीं बनाना है। बस इसे थोड़ा गाढ़ा करने के बाद इसके अंदर थोड़ा चिपचिपापन आ जाना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से चिपचिपापन आना चाहिए। फ्राई किए हुए ब्रेड स्लाइस को अब चाशनी के अंदर डाल देना है। इन्हें ज़्यादा देर चाशनी के अंदर ना रखें। इस तरीके से थोड़ा पलटने के बाद इन्हें तुरंत निकाल लें। अगर हम चाशनी के अंदर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये जो ब्रेड स्लाइस हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब बचे हुए ब्रेड स्लाइस को भी आपने चाशनी के अंदर डाल देना है। उन्हें भी इसी तरीके से पलटते हुए आप बाहर निकाल लें। अब इन ब्रेड स्लाइस को आप इस तरीके से निकाल कर छन्नी के ऊपर रखें ताकि इसके अंदर जो भी चाशनी है निकल जाए। और इस बची हुई चाशनी को आप एक कटोरी में निकाल लें। उसी कढ़ाई को साफ करने के बाद 1 कटोरी दूध डालें। दूध जैसे ही उबलेगा उसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल दें। अब इसे इस तरीके से फुल आंच पर पकाना है। 2 चम्मच इसमें मैं मलाई डाल रही हूँ। ऐसा करने से ब्रेड मलाई टोस्ट स्वीट जो है और भी टेस्टी बन जाती है। अब इसे थोड़ी देर इस तरीके से पकाते रहना है जब तक कि ये दूध अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। अब जो चाशनी बची थी उसे भी आप इसके अंदर डाल दें। 5-7 मिनट बाद आप देखेंगे दूध जो है पककर इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। अब इसे थोड़ी देर और पकाना है। आप देख रहे होंगे मावा बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने के लिए हमें 15 मिनट लगे हैं। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी बना है। अब इस मावे को आप एक कटोरी में निकाल लें। चाशनी में डिप करने के बाद ब्रेड टोस्ट को मैंने छन्नी के ऊपर इस तरीके से रख दिया था ताकि इसके अंदर से बची हुई चाशनी भी निकल जाए। अब ब्रेड टोस्ट के ऊपर इस मावे को फिल करना है। आप चम्मच से इस तरीके से फैला दें और दूसरा टोस्ट उठाकर इसके ऊपर हमें रखना है और इसे हाथ से प्रेस करके साइड से जो मावा है उसे आप अंदर की तरफ दबाएं या बाहर निकाल दें। सारे ब्रेड टोस्ट में मावा को फिल कर दिया है। ब्रेड मलाई टोस्ट स्वीट बनकर तैयार हो गई है। अगर आप नारियल वाली स्वीट खाना पसंद करते हैं तो नारियल बूरा के अंदर आप इस तरीके से डिप करें। ये स्वीट भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रंची और यमी स्वीट बनी है। ब्रेड मलाई टोस्ट स्वीट बनाने की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।